खबरों में एक बार फिर रुख करेंगे अंबेडकर नगर के और गोतास्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गोतास्कर के 3 अंतर जनपदीय अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोवंश से लदे पिकअप को रोकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुका, पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 3 लोगों के पैरों में गोली लगी है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस, एक पिकअप गाड़ी बरामद की गई। राजेपुर सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जनपद अंबेडकर नगर के थाना राजे सुल्तानपुर में आज बीती रात्रि में पशु तस्करों के एक अंतर जनपदीय गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुए हैं और इनसे 2 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और पशु तस्करी के लिए प्रयुक्त होने वाली एक पिकअप गाड़ी भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, इसके विरुद्ध पूर्व के 8 मुकदमे ट्रेस हुए हैं और मुकदमों की जानकारी की जा रही है। इसी तरह से दूसरा अपराधी जो सलमान उर्फ मन्नी है, ये भी आजमगढ़ का रहने वाला है, इसके विरुद्ध अभी तक पूर्व के 4 मुकदमे ट्रेस किए गए हैं और जानकारी की जा रही है। तीसरा अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र इकबाल है, जो बिहार प्रांत का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।